हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्वागत है आपको सीता कुकुन चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ टेस्टी और स्वादिष्ट और हेल्दी गाजर। मैंने पहले इसको धो ली हूँ अच्छे से, इसको थोड़ी थोड़ी हल्के छिलका उतार ली हूँ और छोटे छोटे टुकड़े मैंने चाकू की सहायता से मैंने काट ली हूँ। और देखो गाइस, मैं इसको अब कुकर में डालने जा रही हूँ इसको। ये देखो देखो गाइस, कुकर 2 केजी गाजर है। ये देखो मैंने कुकर में यहाँ पे गाजर मैंने छोटे छोटे बारीक सा टुकड़े में काट के यहाँ पे मैंने यहाँ इसमें कुकर में डाल दी हूँ। और एक 2 केजी क्रीम है इसमें, मलाई और अच्छी तरह से निकलेगा और इसकी बढ़िया बनेगा। इसकी दूध गाढ़ी रहती है इसलिए मैंने अमूल का ली हूँ। 2 केजी है, आप जा सकते हो भैंस का भी ले सकते हो, गाय के ले सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है दूध वो आप यूज कर सकते हो। ये देखो मैंने दूध इसमें रखी हूँ। इसको मैंने कुकर लगा के मैं अपने यहाँ पे गैस पे रख देती हूँ। 4 सीटी मारेगा इसको, मैं अच्छे से निकाल दूंगी। अब देखो मैं यहाँ पे 1 केजी के आसपास मैं दूध रखी हूँ, इसमें से मैं थोड़ा इसमें से बचा लूंगी। और ये देखो मैं इसको गाढ़े इसको खोआ बनाऊंगी, क्योंकि मैं घर पे बना रही हूँ। एक खोआ अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, इसमें कोई मिलावट मार्केट से आप लाओ उसमें मिक्स रहती है, इसलिए मैं अपने घर पे बना रही हूँ। ये हेल्दी और टेस्टी है। इसको गाढ़ी होने तक इसको मैं ऐसे इसको अभी तक ऐसे चलाती रहूँगी इसको। मैंने इसमें देखो मैंने कढ़ाई में मैंने खोआ खोआ बनाई थी इसका, इसलिए इसमें लगा पड़ा हुआ है। यहाँ पे सर्दी की वजह से जम गई है। यहाँ पे काजू ले रखी हूँ और एक बादाम है और ये जो मैंने रखे थे ना गाजर, ये मेरा हलवा बनकर गाजर का रेडी है। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है, मार्केट से कहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत सही है। सारा चीज़ मैंने अपने हाथों से बनाई, कोई बाहर का सामान नहीं है। जैसे मैंने देखो रेसिपी, मैंने खोआ मैंने बनाई हूँ 1 केजी दूध का बनाई थी, ये मैं अपने हाथ से बनाई हूँ। मार्केट में आती तो है मिलावट आती है, इसी को वजह से मैं हाथ से बनाई हूँ। ये देखो मैंने दूध रखी थी 1 केजी, इसमें भी मिक्स कर दूंगी, ऐड करूंगी यहाँ पे बादाम। कैसे लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने प्यार ऐसी हम पे बनाए रखना। थैंक यू।